जय हिंद दोस्तों। अभी कुछ दिन पहले हरिद्वार में धर्म संसद के नाम से एक प्रोग्राम हुआ था, जहां कुछ नारंगी नमूनों ने मिलकर देश के सारे बाबाओं को बदनाम कर दिया। और इस काम में सबसे बड़ा योगदान दिया देश के बाबाओं के सबसे बड़े बवासीर स्वामी नरसिंहानंद सरस्वती ने। तो भाई, जहां एक भी जिहादी ना हो, जहां एक भी मस्जिद ना हो, जहां एक भी मदरसा ना हो, ऐसा अपना एक देश बना लो। ये बाबा अपने भक्तों को एक ऐसा देश बनाने का ज्ञान दे रहा है जहां एक भी मस्जिद ना हो, जहां एक भी मुसलमान ना हो, जहां एक भी मदरसा ना हो। अब आप लोग इस बाबा जी से थोड़ा ये भी जान लीजिए कि इस तरह का देश बनाने के लिए हिंदुओं को क्या करना होगा। और उसके लिए कम से कम 1 करोड़ हिंदुओं को अपना गर्दन देनी पड़ेगी, मरना पड़ेगा। सॉल्यूशन इसके सिवा कुछ नहीं है भाई। ये चचा 1 करोड़ हिंदुओं से उसकी जान की बलि मांग रहा है, वो भी सिर्फ इसलिए ताकि ये एक ऐसा देश बना सके जहां एक भी मुसलमान ना हो। अरे चचा, इस दुनिया में अर्मेनिया, बेलारूस और क्यूबा जैसे कई सारे देश हैं जहां मुसलमानों की आबादी 0.1% से भी कम है। तुम वहां क्यों नहीं चले जाते हो? अपना शौक पूरा करने के लिए 1 करोड़ हिंदुओं को क्यों मरवाना चाहते हो? वैसे चचा, एक बात बताना, आखिर तुम्हें इस देश से क्या समस्या है जो तुम हिंदुओं के लिए एक अलग देश बनाना चाहते हो? हमारे 6 लड़के उस धरने में केवल एक नारा किसी ने लगा दिया होगा और वो लड़के 2 महीने की जेल काट कर आए। 2 महीने की, 6 लड़के हमारे। कल दो तो उनमें से यहां पे थे, दीपक सिंह जी और विनोद आजाद जी। ये हिंदू की औकात है, ये औकात है हिंदू की इस देश में। अच्छा चाचा, तो वो दीपक सिंह और विनोद आजाद तुम्हारे लौंडे थे जिन्होंने जंतर मंतर पर खुलेआम ये नारा लगाया था? इन लोगों ने खुलेआम नारा लगाया कि मुल्ले काटे जाएंगे, राम राम चिल्लाएंगे, हिंदुस्तान में रहना होगा तो जय श्री राम कहना होगा। इन नारों की वजह से इन लोगों को सिर्फ 2 महीने की जेल हुई, तो ये बाबा इस तरह की बात कर रहा है? 2 महीने की जेल काट कर आए, 2 महीने की, 6 लड़के हमारे। ये औकात है हिंदू की इस देश में। अरे चचा, तुम तो शुक्र मनाओ कि तुम्हारा लौंडा सब इतना भड़काऊ नारा लगाने पर भी सिर्फ 2 महीना जेल में रहा, वरना इतना भड़काऊ नारा लगाने वाले इन चूतियों पर तो ताजिराते हिंद के दफा 296 के तहत पूरे 2 साल का सजा होना चाहिए था। वैसे दोस्तों, इस बाबा को सिर्फ इस देश से ही समस्या नहीं है, इसे तो मोदी जी और बीजेपी नेताओं से भी समस्या है। हिंदुओं के पक्ष में एक कानून आप लोग संसद से नहीं बनवा सकते। आवाज उठा सकते हो क्योंकि आवाज से चंदा मिलता है, पैसा मिलता है। तो एक मुद्दा लेकर घूम सकते हो कि जी मैं इस संघर्ष कर रहा हूं, मुझे कुछ पैसे दे दो, मुझे लोकसभा में भेज दो, मैं करवा दूंगा, होगा कुछ नहीं। मोदी एक कानून हिंदुओं के पक्ष में नहीं बनवा पाए जो हिंदुओं के हीरो थे। आप लोगों ने मोदी जी और बीजेपी नेताओं को लेकर बाबा जी का विचार तो सुन लिया, अब आप लोग इस बाबा से हिंदुओं को लेकर इसका विचार सुन लीजिए। हिंदुओं की बुद्धि बिल्कुल भ्रष्ट हो गई है। वो हर चीज में राजनीति ढूंढते हैं क्योंकि उनका दिमाग में गंदगी है। हिंदुओं के दिमाग में केवल राजनीति का कीड़ा है। उन्होंने अपने बाप दादों का सारा नाम खो दिया, अपने सारे मत मंडी तोड़वा दिए, अपनी औरतों की मंडी लगवा दी अपनी कायरता में, और केवल राजनीति ढूंढने में। हिंदुओं की एक गुलामों की मानसिकता है। हमको समझ में नहीं आता है, हिंदुओं के लिए इतनी घटिया सोच रखने वाले इस इंसान को आखिर कौन लोग हिंदुओं का हमदर्द समझता है? खैर, देश के तमाम हिंदुओं की तरफ से हम इस बाबा से बस इतना ही कहना चाहते हैं। तुम गांडू हो, तुम पांडी, तुम गांडू हो, गांडू गांडू। अब बात करते हैं इस धर्म संसद में शामिल होने वाले दूसरे सबसे बड़े बवासीर वसीम रिजवी के बारे में, जो अभी नया नया जितेंद्र त्यागी बना है। देखते हैं इस दिमागी बवासीर के मरीज ने इस धर्म संसद में क्या क्या प्रवचन पेला है। सेकुलर कोई नहीं है, आप सेकुलर मत बनिए। पूरी दुनिया का 200 करोड़ मुसलमान आतंकी है, सेकुलर नहीं है। ये वसीम त्यागी दुनिया के 200 करोड़ मुसलमानों को आतंकी बोल रहा है। इसने आज तक इस्लाम को जितना बदनाम किया है, अगर दुनिया का 200 करोड़ नहीं सिर्फ 20 करोड़ मुसलमान भी आतंकी होता तो भाई का यकीन करो अब तक इसके नाम के आगे मरहूम लग चुका होता
और अंधभक्त इसके फोटो के नीचे कमेंट में आरआईपी पिताजी, आरआईपी पिताजी लिखकर रो रहे होते। वैसे दोस्तों, हमने आज तक बहुत से लोगों को धर्म बदलते देखा है, लेकिन मेरे नज़र में ये वसीम रिजवी इतिहास का पहला चूतिया है जिसने धर्म के साथ साथ अपना बाप भी बदल लिया। बहुतों को ये सवाल उठता है, बहुत ये सवाल करते हैं कि हम त्यागी कैसे हो गए। त्यागी ऐसे हो गए कि मेरा बाप त्यागी है। नरसिंहानंद गिरिजी महाराज जैसे बहादुर इंसान को जिसने जन्म दिया है वो मेरा बाप है। ये गर्व से स्वामी नरसिंहानंद के बाप को अपना बाप बोल रहा है। आप लोगों ने वो बच्चा तो देखा होगा जो एक चॉकलेट के लिए पड़ोसी को भी अपना बाप बोल देता है। वही सब बच्चा बड़ा होकर वसीम रिजवी बनता है। तो चलिए अब इस पड़ोसी के पैदाइश के अगले बयान पर नजर डालते हैं। हिंदुस्तान से जो प्राइमरी मदरसे हैं उनको बंद कर देना चाहिए। प्राइमरी मदरसों को बंद कर देना चाहिए क्योंकि मदरसों की देन मुगलों की है और वहां से जो धर्म का प्रचार हो रहा है वो किसी की हत्या की साजिश के लिए हो रहा है। दोस्तों, ये वसीम त्यागी भारत के मदरसों पर आतंकवाद की शिक्षा देने का झूठा और बेबुनियाद आरोप लगा रहा है। इसे लगता है कि इसके आरोप लगाने से भारत सरकार देश के सारे मदरसों को बंद कर देगा। कोई इस दिमागी बवासीर के मरीज को बताओ कि भारत सरकार देश के इंटेलिजेंस एजेंसियों के कहने पर काम करता है, इन जैसे चूतियों के कहने पर नहीं। और देश का एक भी इंटेलिजेंस एजेंसी अब तक ये साबित नहीं कर पाया है कि भारत के मदरसों में आतंकवाद की शिक्षा दी जाती है। इसलिए वसीम रिजवी के बकचोदी से भारत के मदरसों को कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। वैसे दोस्तों, इस धर्म संसद में और भी कई चूतिया रूपी बाबा आए हुए थे जिन्होंने अपने भक्तों को एक से बढ़कर एक अतरंगी प्रवचन दिया। काश मैं भी सांसद होता और हाथ में रिवॉल्वर होता और मैं नाथूराम हो जाता और अपनी छे की छे गोलियां मैं मनमोहन सिंह के छाती में मैं लगा देता। ये चचा कह रहा है कि अगर ये सांसद होता और इसके हाथ में रिवॉल्वर होता तो ये नाथूराम गोडसे बनकर छे की छे गोली डॉक्टर मनमोहन सिंह के सीने पर उतार देता। वैसे हम भी ये कह सकते हैं कि अगर हम बकचोदी विभाग के मंत्री होते और हमको ये अधिकार होता कि इस तरह की बकचोदी करने वालों को हम सजा दे सकें, तो बाबा की इस बकचोदी पर हम बाबा को उल्टा लिटवा कर इतना डंडा मरवाते कि ये बाबा अपने पिछवाड़े से प्राण त्याग देता। वैसे दोस्तों, इस धर्म संसद में एक और बाबा आए हुए थे जिसने नाथूराम गोडसे की अंधभक्ति में गांधी जी को ही गरिया दिया। और महाहरानी वो मोहनदास करमचंद गांधी ने सत्यानाश फेल दिया। वो नाथूराम गोडसे जी को नमस्कार है, मार डाला वो हरामी को। ये बाबा बातों से स्वामी कम और हरामी ज्यादा लग रहा है, क्योंकि राष्ट्रपिता को हरामी कहने का हरामी पना तो कोई हरामी ही कर सकता है। इसलिए मेरे हिसाब से ऐसे बाबाओं को साधु संत कहना देश के अच्छे साधु संतों का अपमान है। ऐसे बाबाओं के लिए तो बस यही कहा जाना चाहिए, कुत्ते का पिल्ला कुत्ता होता है शेर नहीं, तेरा बाप कुत्ता है तो कुत्ते का पिल्ला है, कुत्ता है तो कुत्ता। दोस्तों, इस धर्म संसद में और भी बहुत से मानसिक बवासीर के मरीज आए हुए थे जिन्होंने हिंदुओं को ऐसा ऐसा प्रवचन दिया जिसे सुनकर एक समझदार इंसान भी इन्हें चूतिया कहने पर मजबूर हो जाएगा। मैं लंदन से एक ही बात करने के लिए आया हूँ, इस्लाम को मिटाना है तो ही हम जिंदा रह सकेंगे, इस्लाम को नहीं मिटाएंगे तो हम जिंदा नहीं रह सकेंगे। ये चचा लंदन से भारत ये बताने के लिए आए हैं कि अगर इस्लाम को खत्म नहीं किया गया तो ये जीवित नहीं रह सकेंगे। और ये बताने के लिए चचा जिस देश से आए हैं यानी इंग्लैंड से, उस देश में हिंदुओं की आबादी है 1% और मुसलमानों की आबादी है 5%, और उन 5% मुसलमानों के बीच रहते रहते चचा के शरीर का सारा बाल पक गया। फिर भी ये कह रहे हैं कि अगर इस्लाम को ख़त्म नहीं किया गया तो ये जीवित नहीं रह सकेंगे। वैसे इस चचा के तरह और भी कई सारे बाबा इस धर्म संसद में इस्लाम को ख़त्म करने की चाहत लेकर आए हुए थे। केवल हमारा एक विषय है और वो विषय है उस इस्लाम को जड़ से कैसे मिटाया जाए। ये चचा कह रहे हैं कि इसके पास सिर्फ एक ही विषय है और वो विषय है कि इस्लाम को जड़ से कैसे मिटाया जाए। चचा के इस बात पर हमको एक शेर याद आ रहा है। शेर कुछ यूं है कि छत पर देखा चांद का टुकड़ा, छत पर देखा चांद का टुकड़ा, लाख कोशिश किया झांट ना उखड़ा। आय हाय 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 हाय। दोस्तों, आप लोग जानते हैं
कि हमारा भारत एक सेकुलर देश है, इसलिए पहले आप लोग सेकुलरिज्म के बारे में मोदी जी का विचार सुन लीजिए। हम भी कहते हैं इस देश को सरदार साहब वाला सेकुलरिज्म चाहिए। भारत एक हुआ, राजे रजवाड़े किसी एक बिरादरी के नहीं थे, राजे रजवाड़े अलग अलग संप्रदाय से थे, अलग अलग परंपराओं से थे, अलग अलग भाषाबाजी वाले थे, उसके बावजूद भी ये सरदार साहब के सेकुलरिज्म की ऊंचाई थी कि उन्होंने सबको जोड़ने का काम किया, देश को तोड़ने नहीं दिया। और इसलिए मित्रों हम सब मिलकर के सरदार साहब के उस सेकुलरिज्म को आगे बढ़ाए और देश को नई ताकत। दोस्तों, आपने मोदी जी से सुना कि सेकुलरिज्म इस देश के लिए क्यों और कितना जरूरी है। अब इसी सेकुलरिज्म के बारे में धर्म संसद में आए फर्जी बाबा का प्रवचन सुन लीजिए। ये सेकुलर सेकुलर पढ़ना बंद करो, ये केवल केवल हिंदुओं का देश है, अर्थात ये हिंदू राष्ट्र है। मोदी जी कह रहे हैं कि देश को सेकुलरिज्म की जरूरत है, और ये बाबा कह रहा है कि सेकुलरिज्म सेकुलरिज्म चिल्लाना बंद करो। और हद तो ये है कि इस बाबा ने भारत को हिंदू राष्ट्र भी घोषित कर दिया, जबकि अमित शाह जी खुद भारत को हिंदू राष्ट्र बनाने के खिलाफ हैं। क्या आप गृहमंत्री के तौर पे कि आज की बीजेपी, क्या ये मोदी सरकार भारत को हिंदू राष्ट्र के तौर पे देखती है? जरा भी नहीं। हम संविधान को मानते हैं, संविधान को स्पिरिट के साथ स्वीकार करते हैं। इस देश में हर पंथ के लोगों को अपने पंथ का अनुपालना करने की संपूर्ण सुविधा है, और ये देश का एक ही धर्म हो सकता है, सरकार का, देश की सरकार का एक ही धर्म हो सकता है हमारा संविधान, इसके अलावा कोई धर्म नहीं। भाई अमित शाह ने साफ साफ कह दिया है कि वो भारत को हिंदू राष्ट्र नहीं मानते हैं, और उन्होंने यहां तक कह दिया कि भारत का अगर कोई धर्म हो सकता है तो एक ही धर्म हो सकता है, और वो है भारत का संविधान। और ये बात इन बाबाओं को अच्छे से पता है कि अमित शाह के आगे इनकी बकचोदी नहीं चलने वाली है, इसलिए ये नारंगी बवासीर अपने भक्तों को हिंदू राष्ट्र बनाने के लिए ये ज्ञान दे रहे हैं। ज्यादा से ज्यादा संतान पैदा करें और इस देश को, इस देश की लोकतंत्र और प्रजातंत्र की व्यवस्था के अनुसार फिर से हिंदुस्तान बनाएं, फिर से हिंदुओं की जगह बनाएं। ये चचा हिंदुओं को ज्यादा बच्चा पैदा करने का ज्ञान दे रहा है, क्योंकि इसको भारत का 80 करोड़ हिंदू 20 करोड़ मुसलमान के मुकाबले कम लग रहा है। अरे चचा, मुसलमानों से इतना भी नफरत ठीक नहीं है कि इस चक्कर में हिंदुस्तान को हिंदुओं के जनसंख्या विस्फोट से ही खत्म कर दो। बीजेपी सरकार भारत में जनसंख्या विस्फोट को रोकने के लिए जनसंख्या नियंत्रण कानून लाना चाह रही है, और ये बाबा हिंदुओं को ज्यादा बच्चा पैदा करने का ज्ञान दे रहा है। अब इन उल्टी खोपड़ी वाले बाबाओं को क्या ही कहा जाए। दुनिया में जो कहे कि हिंदू और मुसलमान एक जैसे हैं, उसको अगर पत्थर भी ना मार सको तो मुंह से गाली जरूर दे देना। ये बाबा अपने भक्तों को हिंदू मुस्लिम एकता की बात करने वाले लोगों को पत्थर मारने और गाली देने का ज्ञान दे रहा है, जबकि भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी अपने भाषणों में अक्सर सबका साथ और सबका विकास वाला नारा देते रहते हैं। और आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत तो हिंदू मुस्लिम एकता को लेकर यहां तक कहते हैं, तो हिंदू मुसलमान एकता, हमारा तो विचार ऐसा है कि ये शब्द ही बड़ा भ्रामक है, ये दो है ही नहीं, एकता की बात क्या है, इनको जोड़ना क्या, ये जुड़े हुए हैं, ये जुड़े हुए हैं, और ये जब मानने लगते हैं कि हम जुड़े हुए नहीं हैं, तब दोनों संकट में पड़ जाते हैं। बात यही हुई है, हम लोग अलग नहीं है, क्योंकि हमारे देश में ये परंपरा नहीं है कि आपकी पूजा अलग है इसलिए आप अलग हैं। अब जो लोग हिंदू मुस्लिम एकता की बात करने वालों को गाली देना चाहते हैं, वो लोग जाकर पहले मोदी जी और मोहन भागवत जी को गाली दें। बाकी इस वीडियो के अंत में हम आप लोगों से बस इतना ही कहना चाहते हैं, ना उसे अल्लाह से है मतलब, ना ही भगवान से नाता है, ना उसे अल्लाह से है मतलब, ना ही भगवान से नाता है, जिसकी हर बात जमाने में नफरत को बढ़ाता है। बाकी आज के इस वीडियो को यहीं पे ख़त्म करते हैं, और उम्मीद करते हैं अगले वीडियो में फिर से मुलाकात होगी। तब तक के लिए जय हिंद। प्रभु तेरी लीला अपरंपार, प्रभु तेरी लीला अपरंपार, ये अल्लाह तेरी रहमत, ये अल्लाह तेरी रहमत।